गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज अरिथमेटिक मीन। देखो अगर मैं बात करूँ तो तीन चीज़ें होती है, मीन, मीडियन और मोड। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज मीन से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, जो चैप्टर नंबर वन मैंने कराया इंट्रोडक्शन, आपको उतना ही पार्ट करना है। हमारे जो इस बार कोर्स में थोड़ा डिडक्शन हुआ है, जितना पार्ट मैंने कराया आपको उतना ही पार्ट उसमें पढ़ना है और वो सफिशेंट है। अब अपन जो अपन सेकंड बुक का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है बेटा? स्टेट्स का। कौन सा चैप्टर है बेटा? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज अरिथमेटिक मीन अपन फाइंड करना है। मैं अगर एक सिंपल लॉजिकल बात बताता हूँ आपको, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ रैंडमली, मैंने ऐसे ले लिया रैंडमली, सोच के देखना। मैंने लिखा मुझे गिवन है 2, 7, 3, 4, 5। मैंने कहा बेटा इसका मीन निकालो। क्या निकालो? इसका मीन निकालो। तो आप लोग क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे और 5 से डिवाइड कर दोगे। मतलब मीन अगर आप निकालोगे ना तो कैसे निकालोगे बेटा? आप निकालोगे सिग्मा एक्स अपॉन एन। मतलब ये फॉर्मूला बन गया। सिग्मा मतलब क्या होता है सर? इन सब का एडिशन, इन सब का एडिशन। और सर एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ आइटम 1, 2, 3, 4, 5। तो सिग्मा एक्स की बात करूँ तो बेटा 7, 3, 10, 12, 16 और 21। तो ये हो गया सर 21 अपॉन 5। थोड़ा इजी बना लेते हैं इसको, 4 ले लो, कर लो 7, 2, 9, 12, 16 और 20। तो ये हो गया सर 20 अपॉन 5 दैट इज 4। तो मेरा मीन क्या आ गया? 4। तो मीन निकालने का सिंपल तरीका जो आप लोगों ने सीख रहा है क्या होता है सर? सबको ऐड कर दो और एन से डिवाइड कर दो, दैट इज सिग्मा एक्स अपॉन एन। अपन भी आज ऐसा ही कुछ पढ़ने वाले हैं, बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाना चाहूँगा, वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ करूँगा अभी शेयर। तो अपन लोग क्या करते हैं, पहले समझते हैं। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, तीन तरह की सीरीज हमें पढ़नी है। देखो एक तो होता है बेटा डिस्क्रीट सीरीज, एक होती है इंडिविजुअल सीरीज और एक होती है कंटिन्यूस सीरीज। तीन मेथड अपन को पढ़ने होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन और एक होता है बेटा शॉर्टकट मेथड। तो ऐसे तीन सीरीज, तीन मेथड, टोटल मिला के 9 फार्मूलाज बनते हैं। कितने बनते हैं बेटा? 9 फार्मूलाज। पहले अपन क्या करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं कराऊंगा आपको इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले, में सारे आपको याद करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अपन एक बार कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। पहले हम लेते हैं बेटा किसको? इंडिविजुअल सीरीज को। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन उतार देता हूँ। मुझे एक क्वेश्चन गिवन है, देखना ध्यान से, पॉकेट अलाउंस वो गिवन है बेटा मेरे को 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 और 65। तो मुझे निकालना है मीन, मुझे निकालना है क्या बेटा? मीन। तो देखो मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट मेथड से, पहले सॉल्व करता हूँ बेटा मैं इसको डायरेक्ट मेथड से। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? आपको क्या करना है सर? फॉर्मूला लगाना है सिग्मा एक्स अपॉन एन, और सिग्मा एक्स क्या होता है सर? इन सबको आप ऐड कर लो। तो ये कितना आया बेटा? वो 340। और एन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ आइटम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो बेटा मेरा मीन कितना आ गया बेटा? मेरा मीन आ गया 34। मेरा मीन कितना आ गया बेटा? 34। बड़ा आसान था, मैंने क्या करा, इन सबको ऐड करा और इसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया, तो मेरा मीन निकल गया 34। इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ बेटा शॉर्टकट मेथड से, इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ बेटा किससे? शॉर्टकट मेथड से। फॉर्मूला देखना आप लोग शॉर्टकट मेथड का। अब देखो मेरी बात सुनना, अब तक आप लोग क्या करते हुए आए हो क्या नहीं, मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं है। मैं आपको सिंपल तरीके से सिखाता हूँ, अपन लोगों को क्या करना है, पहले फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को चलाएंगे। पहले मैं लिखता हूँ फॉर्मूला शॉर्टकट का। तो बेटा इसका फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो मैंने क्या बोला आपको? ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। मतलब सर पहले तो मुझे ए एज्यूम करना पड़ेगा। ध्यान रखना मैं हमेशा ए एज्यूम करूँगा बेटा एक्स में से, ए एज्यूम करूँगा किस में से? एक्स में से। सपोज करो मैंने 25 एज्यूम कर लिया ए, इसको अपन बोलते हैं अज्यूम मीन मेथड ही बोलते हैं। अब मैं निकालूंगा बेटा डी। देखो पहले ए की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने ए निकाला कितना? 25। अब क्या चाहिए बेटा मेरे को? डी चाहिए। तो डी क्या होता है बेटा? डी निकालना सिखाता हूँ। डी निकलता है बेटा एक्स माइनस ए। डी कैसे निकलता है बेटा? एक्स माइनस ए। तो 15 में से 25 गए माइनस 10, 20 माइनस 25 माइनस 5,
30 माइनस 25 दैट इज 5, माइनस 3 0, माइनस 7 15, 25 30 और 40। तो हमने क्या निकाला बेटा, डी निकाल लिया। अब चाहिए क्या मेरे को, सिग्मा डी। सर इन सबको आप ऐड कर दो तो बेटा कितना हुआ, माइनस 15 माइनस 18, माइनस 18 दैट इज माइनस 25। सर माइनस का तो 25 हो गया, प्लस का ऐड करता हूँ 5, 20, 20, 30, 50, 90 और ये हो गया 90 और 20, 115, प्लस का 115 आ गया। सर सॉल्व करो तो कितना आया मेरा, प्लस का 90। तो मैं इसको लिखता हूँ, ये आया सर 90 अपॉन 10, क्योंकि n तो क्या है, नंबर ऑफ आइटम, वो है 10। तो ये गया, तो ये बचा था 25 प्लस 9 दैट इज 34। तो आप किसी से भी कर लो, आप डायरेक्ट से कर लो, शॉर्टकट से कर लो, आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दिए समझाने की कोशिश की, अब मैं आपको पूरी चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं आपको कौन कौन सी सीरीज होती है वो बताऊँगा, ठीक है बेटा, फिर मैं आपको उनके फॉर्मूला लिखाऊंगा और वो फॉर्मूला मैं आपको याद कराऊंगा। 5 मिनट मुझे आप दो, 5 मिनट में आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद होंगे, ये मेरी गारंटी है। बट प्लीज मेरे अकॉर्डिंग आप लोग चलना एक बार, ठीक है बच्चों। तो देखो तीन तरह की सीरीज होती है बेटा, मैं लिखता हूं। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है कंटिन्यूअस सीरीज। पहले तो सीरीज पहचानना सीखते हैं, इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, जब केवल एक्स एक वेरिएबल गिवन होता है, जब केवल एक्स गिवन होगा ना तो समझ जाना कौन सी सीरीज गिवन है आपको, इंडिविजुअल सीरीज गिवन है। जब एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी तो समझ जाना कौन सी सीरीज गिवन है आपको, डिस्क्रीट सीरीज। और कंटिन्यूस जब क्लास इंटरवल गिवन होगा, क्या गिवन होगा बेटा, क्लास इंटरवल लाइक 0 से 10, 10 से 20 और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो समझ जाना कौन सी सीरीज है बेटा, कंटिन्यूस सीरीज। तो तीन तरह की सीरीज मैंने बताई आपको, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है बेटा, केवल एक डेटा गिवन है, सिंपल एक्स गिवन है तो कौन सी गिवन है बेटा अपन को, इंडिविजुअल सीरीज। एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है तो कौन सी गिवन है बेटा अपन को, डिस्क्रीट सीरीज। और सर क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास इंटरवल तो कौन सी गिवन है बेटा, कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है बेटा, आया पहचान ने, केवल एक्स है तो कौन सी है, इंडिविजुअल। एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी है तो कौन सी है, डिस्क्रीट। और क्लास इंटरवल गिवन है तो कौन सी है बेटा, कंटिन्यूस सीरीज। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को एक चीज, तीन तरह के फॉर्मूला होते हैं बेटा। एक अपन पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट मेथड, एक पढ़ने वाले हैं बेटा शॉर्टकट मेथड, और एक पढ़ने वाले हैं बेटा स्टेप डेविएशन मेथड। तीन तरह के फॉर्मूले बेटा कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। हमें इन तीनों की बात करनी है, ठीक है, करें बेटा स्टार्ट। अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालना सिखाऊं डायरेक्ट मेथड से तो कैसे निकालेंगे बेटा अपन, सर सिंपल, मीन क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिंपल था। सर कैसे निकालेंगे मीन, सिग्मा एक्स अपॉन एन आ गया। सर शॉर्टकट की बात करें तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, कैसे निकालेंगे बच्चों, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। और सर डी कैसे निकालते हैं, यहाँ पे डी निकालते हैं बेटा एक्स माइनस ए। तो अपन बात कर रहे हैं बेटा किसकी, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्या निकालने की। तो देखो डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, और ये क्या था, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, और ये देखना स्टेप डेविएशन, ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। जी चेंज क्या हुआ, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन तो वैसा का वैसा था, ये डी डैश हो गया और इंटू सी आ गया। ये कैसे निकालते हैं मैं सिखाऊंगा बेटा, फॉर्मूला याद करो, ये तीन याद कर लो, बाकी छह अपने आप याद हो जाएंगे। क्या था सर, डायरेक्ट था सिग्मा एक्स अपॉन एन,
शॉर्टकट था a प्लस सिग्मा d अपॉन n, और d कैसे निकालते हैं सर, x माइनस a, और स्टेप डिवीजन क्या था, a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन n इंटू c। अब डिस्क्रीट सीरीज की मैं बात करूं तो बच्चों मुझे केवल एक बात बताओ आप लोग कि सर इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में किसका फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है। सर इतना आसान नहीं आता आपको, मैंने कहा ठीक है चलो तुम बता दो मैं बता देता हूँ, आता है मुझे। इतना सा फर्क है कि सर इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती और डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो क्यों हम नए तीन फॉर्मूले याद करें, हम उन पुराने फॉर्मूले से नए बना लेंगे ना सर, कैसे देखना। पहले बनाता हूँ डायरेक्ट का, सिग्मा एक्स अपॉन एन, और सर फर्क क्या है, यहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं थी यहां फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें एफ डाल दो। तो क्या बना बेटा फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, क्या बना बच्चों, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, वही वाली चीज सर, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, सर सेम फॉर्मूला नहीं, फर्क है किसका, फ्रीक्वेंसी का, तो यहां पर भी एफ डाल दो, क्या बन गया, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, ऐसे इसका लिखते हैं। सर क्या था, a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन n इंटू सी, फर्क किसका सर, f का, तो ये बन गया a प्लस सिग्मा f d डैश अपॉन n इंटू सी। इतना आसान था बच्चों, फ्रीक्वेंसी का फर्क था, मैंने f इंटर कर दिया, नए फॉर्मूले बन गए। बट चीज जो ध्यान में रखनी है बेटा, यहां n निकालते नंबर ऑफ आइटम, यहां पर n क्या थे, नंबर ऑफ आइटम, बट यहां पर जो n है ना वो n होगा बेटा फ्रीक्वेंसी का टोटल, लिख लो हिंदी में चाहे, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो यहां पर जो n है वो क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो ये कौन सा आ गया बेटा आपको, ये आपको आ गया डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। अगर मैं बात करूं कंटिन्यूस सीरीज की तो सेम फॉर्मूले रहेंगे डिस्क्रीट वाले, सेम, ऐसा कैसा उतार दो, ऐसा कैसा उतार दो, बुक में कुछ भी दे रखो, अपन सीखेंगे अपने तरीके से। तो आई होप आपको आया होगा बेटा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। फॉर्मूले थे सिग्मा एक्स अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी, और फिर ये बनाए मैंने, यहाँ पर किसका फर्क था सर, फ्रीक्वेंसी का, तो मैंने फ्रीक्वेंसी इंटर कर दी और अपने फॉर्मूले बन गए। तो उतार लो इसको, फिर अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब सर उतार लिया, आप तो क्वेश्चंस कराओ, मैंने कहा ठीक है तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको। चलो बच्चों करें स्टार्ट। क्वेश्चन दे रखा है बेटा अपन को, वेजिस 10, 20, 30, 40, 50, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स वो दे रखे बेटा 4, 5, 3, 2, 5। अब पहले तो बेटा अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि ये इंडिविजुअल सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज, कि सर ये इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज। सर यहां पर x भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो सर ये कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज। मतलब यहां पर x भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो बेटा ये कौन सी सीरीज है सर, डिस्क्रीट सीरीज। तो मैंने कहा चलो सॉल्व करते हैं, पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं बेटा डायरेक्ट मेथड से, पहले सॉल्व करते हैं इसको डायरेक्ट मेथड से। फॉर्मूला याद करो बेटा, सर बहुत सिंपल फॉर्मूला था, सिग्मा एक्स अपॉन एन और एक्स्ट्रा क्या आया, फ्रीक्वेंसी, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। आराम से हमें चाहिए क्या बेटा, यहाँ पे यहाँ चाहिए एफ एक्स, मतलब एफ इंटू एक्स, दिस इंटू दिस, ये कितना हो बेटा 40, ये कितना हो बेटा 100, ये कितना हो बेटा 90, ये कितना हो बेटा 80, ये कितना हो बेटा 250, तो ये एफ एक्स निकल गया। अब सिग्मा मतलब इन सबको ऐड कर दो, तो करो बेटा 250 प्लस 80 330, 330 प्लस 90 420, 520 और 560। दोबारा चेक कर लो, 140, 230, 310, 360, 460 और 560।
और बेटा डिस्क्रीट सीरीज में एन क्या होता है? सर एन होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 9, 3, 12, 13, 14 और 5 अपने गलत वैल्यू उतार दी, सॉरी 9, 3, 12 हाँ तो 19 सही है वैल्यूज, तो अपना आया बेटा 560/19 दैट इज 29.47। ये तो सॉल्व कर लोगे ना, आता है ना बेटा, ऐसे करना, ऐसे लिखना 560, ऐसे लिखना 19, फिर चालू कर देना, तो ऐसे सॉल्व कर लोगे तो अपन। तो बेटा ये अपन ने निकाला किससे बेटा? डायरेक्ट मेथड से। क्या सॉल्व कर रहे हैं बेटा अपन? डिस्क्रीट सीरीज। कौन सा क्वेश्चन? सेकंड। अपन और आगे चलते हैं। सर इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, मैंने कहा किससे करूँ बताओ, तो आपने कहा सर शॉर्टकट से करो। चलो ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को अब शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करता हूँ। किससे करूँगा बेटा? शॉर्टकट मेथड से। तो ध्यान से देखना, क्या निकालना है बेटा मेरे को? मीन फॉर्मूला ए प्लस सर सिग्मा डी अपॉन एन, और एक्स्ट्रा क्या आएगा सर? एफ डी। तो पहले तो मुझे ए एज्यूम करना पड़ेगा, और मैं ए किस में से एज्यूम करूँगा बेटा? एक्स में से या एफ में से? सर ए हमेशा एक्स में से एज्यूम करते हैं, तो मैंने 30 को एज्यूम कर लिया ए। तो बेटा मेरा ए कितना हो गया? 30। अब मुझे क्या निकालना है बेटा? डी। क्या निकालना है बेटा मुझे? डी। तो सर डी क्या होता है? डी होता है एक्स माइनस ए। क्या होता है बच्चों? एक्स माइनस ए। तो करो 10 - 30 - 20, 20 - 30 - 10, 30 - 30 - 0, 40 - 30 - 10, 50 - 30 - 20। ये डी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए बेटा? एफ डी। तो कर दो एफ इंटू डी, दिस इंटू दिस, ये आया सर -80 - 50 - 0 - 20 - 100। एफ डी का करना है सिग्मा, तो जोड़ दो बेटा सबको, तो ये आया माइनस का 10। कितना आ गया बेटा? माइनस का 10। करो सर माइनस का 10/19, तो ये आया 30 + - -0.53, तो ये आ गया बेटा 29.47। तो अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा किससे बेटा? शॉर्टकट मेथड से। देखो फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला बनाना आपको आता है, उसकी ट्रिक मैंने आपको सिखा रखी है, तो उसमें इतना कोई आपको इन्वॉल्व नहीं होना। अब इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ बेटा किससे? स्टेप डेविएशन मेथड से। किससे करता हूँ बेटा? स्टेप डेविएशन मेथड से। तो उससे क्या होगा? और आपको सीखने को मिलेगा। तो देखो मैंने डायरेक्ट से करा, शॉर्टकट से करा, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ बेटा किससे? पहले लिख दो फॉर्मूला सर, था ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन एक्स्ट्रा एफ इंटू सी। अब सर वही ए एज्यूम करो, तो मैंने ए एज्यूम कर लिया बेटा 30, तो मैं लिखता हूँ बेटा कितना बच्चों? 30। अब मुझे चाहिए बेटा पहले डी डैश। सर डी डैश निकालने के लिए पहले मुझे डी निकालना पड़ेगा, तो डी निकाला बेटा मैंने वही एक्स माइनस ए, 10 - 30 - 20 - 10 - 0 - 10 - 20। और डी डैश पता है क्या होता है? डी डैश होता है बेटा अपना डी अपॉन सी, डी अपॉन सी। सर ये सी क्या है? सी होता है बेटा कॉमन डिफरेंस। तो आपको जो लगे ना सूटेबल आप वो ले सकते हो, क्योंकि सी का इम्पैक्ट हमेशा नील हो जाता है। तो अपन यहाँ पे 5 लेना चाहे 5 ले लो, 10 लेना चाहो 10 ले लो, जनरली अपन वो लेते हैं जो कॉमन डिफरेंस हो। सब में कितने का गैप है बेटा? 10 का गैप है, तो मैंने सी ले लिया 10। तो बेटा डी अपॉन सी -20/10 - 2 - 10/10 - 1 - 0/10 - 0 - 10/10 - 1 - 20/10 - 2। तो ये क्या ले लिया बेटा मैंने? डी ले लिया। अब डी डैश आ गया, अब चाहिए मेरे को एफ डी डैश। तो मैं करता हूँ एफ डी डैश, दिस इंटू दिस -8 - 5 - 0 - 2 - 10। अब चाहिए सिग्मा, तो सबको जोड़ दो बेटा, ये आया -1। तो ये आया बेटा 30 + -1/19 × 10, सीधा बेटा 10, तो ये आया 30 + -10/19। ये हो गया बेटा 30 + - 0.53, ये आ गया बेटा 29.47। तो बेटा इसी को मैंने किससे सॉल्व कर दिया? स्टेप डेविएशन से भी सॉल्व कर दिया।
तो आपने एक चीज नोटिस करी, सर डायरेक्ट से कर लो, शॉर्टकट से कर लो, स्टेप डिवीजन से कर लो, आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। और करना भी कितना आसान है, ऐसा नहीं है बहुत हार्ड है। तो अपन ने आज तीन चीज, बहुत सारी चीज सीखी, दो मेथड्स अपन ने सॉल्व करा, दो सीरीज को अपन ने सॉल्व करा, इंडिविजुअल सीरीज को सॉल्व करा अपन ने, डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करा, कंटिन्यूस भी सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए। अगर किसी बच्चे को नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो मैं कुछ एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जो आपको प्रैक्टिस करनी है, लिखना बच्चों सभी लोग। क्वेश्चन नंबर वन जो सॉल्व करना है, मंथली इनकम की बने बेटा आप लोगों को, सेवेंटी टेन फाइव हंड्रेड सेवेंटी फाइव थर्टीन टू फिफ्टी एट और फोर्टी टू। एक तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और मैं देता हूँ आपको बेटा एक और, लिखो बेटा, लिखो बेटा क्वेश्चन, किसी से भी कर लो जिससे आपको सूटेबल हो। आपको मार्क्स दे रखे हैं क्वेश्चन टू, आपको मार्क्स दे रखे हैं बेटा फोर फाइव सिक्स सेवन एट। आपको फ्रीक्वेंसी की बने बेटा ट्वेल्व टेन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर, ये सॉल्व करना है आपको। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन नंबर थ्री, वही आपको नंबर ऑफ हेड्स गिवन है, वो गिवन है बच्चों जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चों, फ्रीक्वेंसी गिवन है टू नाइनटीन फोर्टी सिक्स सिक्सटी टू फोर्टी सेवन ट्वेंटी फाइव टू टू। आपको ये सॉल्व करना है, आपको ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रॉब्लम्स में बताऊंगा, इसके आंसर्स में आपको बता देता हूं, आंसर्स बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में बताऊं, नेक्स्ट में बता दूंगा आप लोग को। ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा, आइडेंटिफाई करना कौन सी सीरीज है, दोनों से कर लेना, दोनों मेथड से करना है तीनों को, डायरेक्ट मेथड से भी करना है तीनों को, और शॉर्टकट मेथड से भी करना है, और स्टेप डिवीजन से भी करना है। प्रैक्टिस कर लेना आप, तो तीनों से सेम आंसर आएगा, समझ आ जाएगा आप लोगों ने सही करा है, आपकी कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है आज की क्लास का, प्लीज़ इनको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू सीरीज को सॉल्व करेंगे, और आपकी इस प्रॉब्लम को भी अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू बेटा, प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को करवाऊंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।